हाँ कुछ एक टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट आ रही है AI से, AI के माध्यम से, जिसमें कि अगर बाई चांस सर्जन कोई रॉन्ग स्टेप लेने की कोशिश करता है तो रोबोट उसे रोक सकता है। तो काफी लोग पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि क्या आप लेजर से सर्जरी करोगे। तो क्या ये जो न्यूरो सर्जरी होती है इसमें भी अब रोबोट्स का इस्तेमाल होने लग गया है, जैसे पिट्यूटरी सर्जरी है, CSF राइनोरिया है, या फिर कोई स्कल बेस्ड ट्यूमर है, तो उसमें हम एंडोस्कोप का इस्तेमाल करके वो सर्जरी कर सकते हैं। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? AI. Artificial intelligence is part of the new frontier in medicine. Robots. यही सारी चीज है ना, क्योंकि हम अपने चारों तरफ अभी रोबोट्स देख रहे हैं, चाहे स्टडीज की बात हो, हेल्थ की बात हो, हॉस्पिटल्स में हो, किसी भी ऑफिस में हो, हर इंसान अपनी सुविधा के लिए अब रोबोट्स का इस्तेमाल करने लग गया है। और हेल्थ में भी कहीं ना कहीं रोबोट्स ने एंट्री कर ली है। आगे आने वाला भविष्य भी आपको रोबोट्स का ही नजर आ रहा है कि सर्जरीज जो होंगी वो भी रोबोट्स द्वारा की जाएगी। लेकिन ये जो रोबोट्स है ये कैसे काम करते हैं और जो अलग अलग हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम होती है, क्या एक ही रोबोट उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए कारगर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, यही हमारा सवाल आज होगा। और अभी हम मौजूद हैं फोर्टिस में, हमारे साथ हेड ऑफ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट मौजूद है डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे नमस्कार। और जैसे कि हम रोबोट्स के बारे में बात कर रहे हैं और तमाम तरीके की नई नई स्टडीज आ रही हैं कि मशीन लर्निंग, रोबोट्स, ये सारी चीजें हम देखते हैं, और एंट्री करते हुए मैंने सबसे पहले एक ही चीज देखी, एक रोबोट की पिक्चर, और फोर्टिस में अब हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये जो न्यूरो सर्जरी होती है इसमें भी अब रोबोट्स का इस्तेमाल होने लग गया है? हाँ, रोबोट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत सारी ऐसी पेट की गाइनी या जनरल सर्जरी या ऑन्को सर्जरी है वो रोबोट से बहुत अच्छे से हो पा रही हैं और उससे बहुत मदद मिली है सर्जिकल टेक्निक में। सिमिलरली अगर हम बात करें न्यू सर्जरी की तो उसमें भी रोबोट का अच्छा रोल आया है, उससे प्रिसीजन बढ़ गया है। पर ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के लिए अभी रोबोट इतना आगे नहीं है, अभी काफ़ी पीछे है। मैं जब आज से 18 साल पहले जापान में था तब वहाँ पर रोबोट के जो एक जहाँ पर शोध चल रही थी उसके एक सर्जन आए थे वहाँ पर और उन्होंने डिस्कस किया था, पर वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन के लिए रोबोट इतना कामयाब नहीं है। शॉर्ट ऑफ रोबोट, हमारे पास एक न्यू नेविगेशन की मशीन है जो कि एक तरह से मिनी रोबोट कह सकते हैं, जिसमें कि हम सर्जरी कैसे करनी है ब्रेन में या स्पाइन में वो हमें गाइड करता है, और CT MRI की जो पिक्चर्स है उनको फ्यूज करता है और हमें ये बताता है कि आपको कैसे कैसे जाना है। तो काम सारा हम ही करते हैं पर वो नेविगेशन हमें गाइड करता है और उससे वो रोबोटिक सर्जरी एक तरह से हो पाती है। ऐसे ही जो रोबोट जो पेट में या गाइनी सर्जरी में या ऑन्को सर्जरी में होता है उसमें भी बेसिकली काम तो सर्जन नहीं कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा दूर बैठ के कर रहा है और रोबोट उसके इंस्ट्रक्शंस को लेके और फिर वो सर्जरी कर रहा है, वो रोबोटिक सर्जरी है। ऐसे जो नी में सर्जरी है, नी में भी जो है वो नेविगेशन अच्छे से कर रहा है और रोबोट उस नेविगेशन को पकड़ के बोन को कट करता है और इम्प्लांट को लगाने में मदद करता है, और मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरी इज डन बाय द सर्जन। तो सिमिलरली ब्रेन में अभी उस टाइप का रोबोट नहीं आया है जो कि ज्यादातर काम करे, पर हाँ गाइड करने के लिए जो रोबोट या मिनी रोबोट हमारे पास है जिसे न्यूरो नेविगेशन कहते हैं उसका हम इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं। जैसे लैप्टोस्कोपिक जो हम बार बार सुन रहे हैं कि स्टमक के ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए यूज होता है, तो क्या एक ही रोबोट जो है हर तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए यूज हो रहा है? तो जैसे रोबोटिक सर्जरी हम पेट के लिए यूज करते हैं तो उसमें हम लैप्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लैप्रोस्कोप यानी कि छोटे से छेद से कोर्ड जाता है अंदर और एक या दो या तीन या चार छेद से जाते हैं और उसी से सर्जरी हो जाती है। पेट का हिस्सा काफी बड़ा होता है तो उसमें अगर हमें अंदर कुछ सर्जरी करनी है तो बड़ा हिस्सा खोलना पड़ता था आज से 10-20 साल पहले, पर जब से लैप्रोस्कोप आया है और अब रोबोट आया है तो छोटे छोटे मल्टीपल इंसिजन से भी वो काम हो जाता है। ब्रेन में लेप्रोस्कोप का रोल नहीं है, ब्रेन में जो रोल आता है वो आता है एंडोस्कोप का, क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं, पर ब्रेन जो है वो छोटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम हर जगह पे एंडोस्कोप को नहीं डाल सकते, इसलिए लिमिटेड सर्जरीज में हम एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम स्कल बेस्ड सर्जरीज करते हैं तो उसमें नाक से एंडोस्कोप डाल के हम, जैसे पिट्यूटरी सर्जरी है, CSF राइनोरिया है, या फिर कोई स्कल बेस्ड ट्यूमर है, तो उसमें हम एंडोस्कोप का इस्तेमाल करके वो सर्जरीज कर सकते हैं, या कभी कभी ब्रेन के अंदर जो पानी वाला रास्ता है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम एंडोस्कोप डाल के उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बाय एंड लार्ज एंडोस्कोप का रोल न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी की बात करें तो मुश्किल से 5% केसेस में है।
ऐसे ही स्पाइन की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइन में जो सिंपल डिस्क कोलैप्स है उसमें हम एंडोस्कोप का इस्तेमाल करके छोटे इंसिजन से वो सर्जरी कर सकते हैं। उतने ही छोटे इंसिजन से उन्हीं इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके हम वही सर्जरी माइक्रोस्कोप से भी कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रेन और स्पाइन में एंडोस्कोप का बहुत मेजर रोल नहीं है। 5-10% सर्जरी जो टोटल हम करते हैं ब्रेन और स्पाइन में उसमें हम एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है। सर एक बात तो ये है कि इंडिया में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आउट ऑफ इंडिया क्या रोबोट्स का इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि उनका यूज़ जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री में किया जा रहा है? देखिए जितना भी शोध है जो रोबोट में हो रहा है, लैप्रोस्कोप्स वगैरह में हो रहा है, वो मेजॉरिटी फॉरेन कंट्रीज में ही है। इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जो कि इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे पहले विदेश में आती है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है या जापान में या थोड़ा बहुत चाइना में आती है। पर आजकल जिस हिसाब से सोशल मीडिया है, जिस हिसाब से हम लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी विद इन अ फ्यू मंथ्स या एक साल में आ जाती है। तो हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से या जहाँ पर ये सब के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उससे ज़्यादा पीछे नहीं है। बिल्कुल। अब इसके बाद एक सवाल ये आता है कि रोबोट्स के बारे में जब कोई इंसान सुनता है तो वो डर जाता है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या हो सकता है अगर रोबोट आया तो? देखिए दो टाइप के रोबोट की बात हो रही है। एक रोबोट वो है जो कि अपने आप काम कर रहे हैं, जो कि आपका घर भी साफ कर देते हैं, जो आप डिस्पेंसिंग वाले एरिया में सारा काम कर देते हैं, जो कि सारा डेटा मेंटेन कर लेते हैं और कई बार आपके लिए एक अच्छे कंपेनियन भी होते हैं। उनमें सॉफ्टवेयर इतना हाई टेक होता है कि वो आपकी बातें समझ सकते हैं। पर जब हम मेडिकल साइंस के अंदर बात करते हैं रोबोट की, तो जो रोबोट हमारे ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता, सारा काम सर्जन ही करते हैं। वो सर्जन के इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करता है, एक भी स्टेप रोबोट अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। हाँ कुछ एक टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट आ रही है AI के माध्यम से, जिसमें कि अगर बाई चांस सर्जन कोई रॉन्ग स्टेप लेने की कोशिश करता है तो रोबोट उसे रोक सकता है और अपने आप से कोई स्टेप वो लेके मरीज का नुकसान नहीं कर सकता। तो इसलिए जो रोबोट से डरने वाली बात है वो मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और अभी हमने बात की एंडोस्कोपिक के बारे में जो ब्रेन के लिए यूज़ होता है, अब आजकल लेज़र सर्जरी भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। चाहे हम अलग अलग डॉक्टर से बात करते हैं तो वो लेज़र सर्जरीज के बारे में बात करते हैं, ये क्या चीज़ है? जब हम लेज़र की बात करते हैं तो लेज़र के बारे में हमने अपनी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बेसिकली एक तरह की रेज होती हैं जो कि हमारे को आगे चीज़ को तोड़ने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए काम करती हैं। तो लेज़र का जो उपयोग है वो यूरोलॉजी में स्टोन तोड़ने के लिए, ऑप्थेल्मोलॉजी में आई में रेटिनल डिजीजेस के लिए, और भी कई डिपार्टमेंट्स में काफ़ी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में। पर हम जब न्यूरो सर्जरी की बात करते हैं तो आज से 30-40 साल पहले लेज़र को ब्रेन में भी इस्तेमाल किया गया था। लेज़र के पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और काफ़ी शोध हुआ था, लेकिन उसमें पाया गया कि ब्रेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आई हैं जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर में लेज़र का इस्तेमाल किया है उसको जलाने के लिए, और वो अभी एक्सपेरिमेंट तक ही लिमिटेड है, उसका अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोल नहीं आया है। तो काफ़ी लोग पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि क्या आप लेज़र से सर्जरी करोगे, तो उनका ये मतलब होता है कि क्या आप मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करोगे या बिना चीरा लगाए आप सर्जरी करोगे। तो डेफिनेटली उसका ये मतलब ये होता है, तो हम ये बोलते हैं हाँ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करेंगे। पर एज सच ब्रेन या स्पाइन सर्जरी में आज की डेट में अभी रूटीन में कहीं पर भी लेज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली एक मिसनोमर है, ये गलत फहमी है कि हम लेज़र से ब्रेन या स्पाइन की सर्जरी करते हैं। ओके। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि जैसे ब्रेन में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, तो ये जो रोबोट्स हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है या फिर जो अगर नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी यूज़ होता है? सो ब्रेन का जो है उसमें जो रोबोट का जो इस्तेमाल अभी रिसेंटली जो आ रहा है वो नेविगेशन का एक रिफाइंड वर्जन आ रहा है, जिसमें कि हम सारा डेटा उस मिनी रोबोट में फीड करके और हम लोकलाइज कर सकते हैं ब्रेन के लीजन्स को, उसमें से बायोप्सी लेना या वहाँ पर कोई हमें इलेक्ट्रोड प्लेस करना है या उस एरिया का हम कुछ वहाँ से एस्पिरेशन करना है, तो वो काम हम रोबोट की मदद से कर सकते हैं, जिसमें अगेन रोबोट सिर्फ हमें गाइड करेगा कि हमें कितनी डेप्थ में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस हिस्से तक कैसे पहुंचना है, लेकिन उसके बाद जो हाथ काम करेगा, जहां जो बायोप्सी लेगी नीडल या जो जिस आप इंस्ट्रूमेंट से बायोप्सी लेंगे वो सब सर्जन ही करेंगे। तो वो जो है नेविगेशन जो है वो और एडवांस होती जा रही है, पर अल्टीमेटली जो मैन बिहाइंड द मशीन है वो वही सारा काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। डेफिनेटली जो हम इंटीग्रेट करते हैं MRI CT स्कैन इमेजेस की इंट्रा ऑपरेटिव सिस्टम से, तो उसमें जो एरर के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं,
बशर्ते कि उस सर्जन ने उस रोबोट को या उस नेविगेशन मशीन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर वहां पर 1 मिलीमीटर का एरर भी होता है तो वो फाइनल सर्जरी में वो एरर 1 मिलीमीटर से बढ़ के 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इसलिए उस मिनी रोबोट या नेविगेशन को इस्तेमाल करने की जानकारी भी बहुत अच्छे से सर्जन के पास होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नमस्कार। तो ये थी खास जानकारी कि आखिर कैसे जो रोबोट्स है वो अब हेल्थ सेक्टर में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।